यस पील गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे है सब लोग होप तो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ बहुत सारे मैसेज आप लोगों ने सर फटाफट रिवीजन लेक्चर चालू कर दो अब मैं बता हम के है। वो करने वाले है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे डोंट वरी अबाउट दैट तो चलिए जिसका था सबको इंतजार वो घड़ी आ गई है और वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदेड लेक्चर दट इज द रिविजन लेक्चर फॉर द मे एंड नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एग्जाम के लिए तो चलिए पहला टॉपिक दैट इज टैक्स रेट फॉर असेसमेंट इ्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर योर एग्जामिनेशन ईयर इज ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एंड प्रीवियस इज ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एक चीज समझना अभी जो बजट आया इन द थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फर्स्ट अप्रैल सॉरी फर्स्ट फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन मे नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के लिए फिनेस बिल 2023 जो आया एज ऑन द फर्स्ट वेब 2023 थाउजेंड दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन आपके एग्जाम के लिए नहीं है तो उस पर ध्यान ज्यादा ना दीजिए

मिस जो केक काट रहा है दैट इज एज ऑन द फर्स्ट अप्रैल 2023 को अगर वो सिक्स बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तब ये मान लिया जाएगा ही सिक्सटी ऑफ एज एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड ही कैन क्लेम द हायर बेसिक एग्जामिशन ऑफ थ्री लैक इन द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री तो आप कैसे याद रखेंगे कि अगर कोई भी पर्सन है वो अपना 60th बर्थडे या 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है वो 1 अप्रैल 2023 को कर रहा है तो भी उसका जो एज है 60 ईयर्स या 80 ईयर्स का दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड एज ऑन द 31st मार्च 2023 एंड ही कैन क्लेम द हायर बेसिक एग्जemption बेनिफिट ऑफ द और तो जिस दिन आप अपना करते हो उसके पिछले दिन आपकी ऑलरेडी पर्टिकुलर एज है वो कंप्लीट हो चुकी है अब क्वेश्चन आता है सर एक बात बताइए इंडिविजुअुअल एच पर्सन के केस में ये लगेगा लेकिन क्या सरचार्ज लगेगा आंसर इज यस यहाँ पे सरचार्ज लगेगा सरचार्ज कैसे लगेगा अगर एस का टोटल इनकम है दैट इज मोर देन 50 लाख रुपेज तभी लगेगा अप टू 50 लाख देर इज नो सरचार्ज इफ टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू वन करोड़ सरचार्ज लगेगा 10% की रेट से मोर देन वन करोड़ अप 2 करोड़ सरचार्ज लगेगा 15% की रेट से मोर देन 2 करोड़ अप टू फाइव करोड सरचार्ज लगेगा ट्वेंटी टू फिफ्टी लैक टोटल इनकम बट मोर देसेंट मोर देन करोड़ अप टू करोड़ ट्वेंटी आपका थर्टी सेवन परसेंट की रेट से सरचार्ज लगेगा सरचार्ज पे लगता है जो भी टैक्स आता है टैक्स में एड कर दीजिए आप सरचार्ज लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना मेकर्स बोलते हैं चार तरह की इनकम आपकी ऐसी है कौन कौन सी या तो आपका एल टी सी जी वन वन टू वाला एल टी सी जी वन वन टू ए जो शेयर मार्केट से होता है रेट टेन परसेंट या दूसरा एस टी सीजी ट्रिपल वन एट इज शेयर मार्केट से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या फिर आपको डिविडेंड का इनकम मिलता है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द शेयर मार्केट यू कैन से दैट गाइस यहां पे एक अमेंडमेंट इस बार किया है एंड यहां पे इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो वन वन टू वाला है दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू वाले को भी यहां पे एड किया है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टू वाला कौन सा होता है जो आपने आपने जैसे प्लॉट बेचा या जो ज्वेलरी फोर टाइप की इनकम इनकम कितना भी हो इन पे आपका मैक्सिमम सरचार्ज है ना फिफ्टीन परसेंट से आएगा इट इन पे ट्वेंटी या 37 परसेंट सरचार्ज हिट नहीं करेगा चार तरह की इनकम कौन सी एल टी सी जी वन वन टू टी सी जी ट्रिपल वन सीजी का इनकम इत... कैसा है आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट या थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज नहीं लगेगा जैसे मैं यहां पे एग्जाम्पल लेता हूं यहां पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे अब आप इसमें एग्जाम्पल नंबर सीधा फोर्थ देखिए तो फोर्थ में आप देखेंगे यहां पे टोटल इनकम बट एक्सक्लूडिंग स्पेशियल दिस फोर टाइप ऑफ इनकम को छोड़ के आपकी अदर इनकम है दैट अदर इनकम इज फोर्टी फाइव लैक

बट आपकी जो स्पेसिफाइड इनकम है वो ओनली वन करोड़ है टोटल इनकम कितनी होगी फोर करोड़ सो इट इज मोर देन द टू करोड ट्वेंटी फाइव परसेंट आना चाहिए लेकिन जो स्पेसिफाइड इनकम है उसमें मैक्सिमम सरचार्ज टैक्स पे कितना आएगा फिफ्टीन परसेंट लेकिन जो अदर इनकम है क्या अदर इनकम अपने आप में टू करोड़ से ज्यादा है आंसर इज यस ना अदर इनकम देखिए थ्री करोड़ है, दैट इज अपने आप में टू करोड़ से ज्यादा है तो अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज कितना रहेगा ट्वेंटी फाइव परसेंट इसको और मैनर में मैंने यहां पर समझा रखा है देखिए कोई भी एसएससी है उसका इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी भी है आर्टिफिशियल पर्सन अगर उसका टोटल इनकम अप टू 50 लाख है तो उस पर कोई भी सरचार्ज नहीं टोटल इनकम इज मोर देन फिफ्टी लैक टू वन करोड़ है तो उस पर्टिकुलर केस में टेन परसेंट सर चार्ज इफ इट इज मोर देन करोड़ अप टू टू करोड़ फिफ्टीन परसेंट सर चार्ज मोर देन टू करोड़ है तब आपको चेक करना देखो अगर टोटल इनकम इज अप टू करोड़ है ना तब तक तो कुछ भी नहीं देखना आपको अब अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन टू करोड़ है तो एक चीज समझना जो आपका ये एल और एस टी सी जी है और आपका डिविडेंट है वो कितना भी हो मैक्सिमम सरचार्ज उसके टैक्स पे कितना आएगा परसेंट अब आपको ये देखना है कि बैलेंस इनकम कितना है इन चार इनकम को छोड़कर बैलेंस इनकम कितना है अगर बैलेंस इनकम अपने आप में बैलेंस इनकम इट सेल्फ इज मोर देन टू करोड़ तो बैलेंस इनकम पे जो भी टैक्स आएगा उस पर ट्वेंटी की रेट से सरचार्ज एंड अगर बैलेंस इनकम अपने आप में बैलेंस इनकम इट सेल्फ इज मोर देन फाइव करोड़ तो बैलेंस इनकम पे जो भी टैक्स आएगा उसपे थर्टी सेवन परसेंट बट एक बात समझना बैलेंस इनकम इज नॉट मोर देन टू करोड़ तो बैलेंस इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे आपका उसपेन परसेंट से सरचार्ज लगेगा सब्जेक्ट टू दैट के आपका टोटल इनकम ओवरऑल इनकम इज मोर देन द करोड़ यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द टैक्स रेट फॉर द कंपनी सो कंपनी दो तरह की होती है वन इज द डोमेस्टिक कंपनी वन इज द फॉरन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स रेट इज थर्टी but guys in case of domestic company if turnover or gross receipt of that domestic company for the previous year 2021 is up to 400 crore ट्वेंटी 2021 का जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसेट है वो आपका 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट 25 परसेंट हो जाएगा अदरवाइज टैक्स रेट कितना है 30 परसेंट है फॉरेन कंपनी के लिए आपका टैक्स रेट कितना रहेगा 40 परसेंट तो देखिए डोमेस्टिक कंपनी के लिए नॉर्मली थर्टी बट डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर ट्वेंटी का टर्न और ग्रॉस रिसेट इज अप अपू फोर है देन अदरवाइज फॉरेन कंपनी के केस फोर्टी परसेंट का टैक्स रेट रहेगा क्या सरचार्ज लगेगा आंसर इज

एलपी एंड लोकल अथॉरिटी, गाइज पार्टनरशिप फॉम एल एंडलोटीटेंट नोरबल इनकम एट द रेट ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व से सर चार्ज लगेगा अगर नेट टैक्सेबल इनकम आपका वन करोड़ से ज्यादा है अब एक और चीज समझनाटिव सोसायटी के टोटल इनकम इज अपू टेन थाउजेंड

कभी कभी इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ जाए ड्यू टू द सर्चार्ज सरचार्ज की वजह से इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ जाए ड्यू टू द सर्चार्ज आई कैन टेक एग्जाम्पल जैसे मान लो ये पहला एग्जाम्पल है इसमें एक कंपनी है जिसका नाम है श्री लिमिटेड जिसका इनकम है so, तो 30, 30, yes, so, इनकम है तो यहां पे सरचार्ज लगेगा सरचार्ज की रेट क्या रहेगीवन परसेंट की रेट से तो आपने सेवन परसेंट की रेट से यहां पे सरचार्ज एड कर लिया तो टोटल तो हो गया थर्टी टू लैख फोर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड अब एक बात बताओ यहां पे इनकम वन करोड़ वन लाख है सो वन करोड़ से थोड़ा बहुत ज्यादा है लिटिल बिट मोर देन वन करोड़ अगर इस कंपनी का इनकम ओनली वन करोड़ होता तो आप ही बताइए इसमें टैक्स कितना आता मैं बताऊं थर्टी लाख रुपए टैक्स आता क्या सरचार्ज लगता है या नहीं नहीं बाबा नहीं लगता ना सरचार्ज सरचार्ज नहीं लगता अगर वन करोड़ ही इनकम होता डोमेस्टिक कंपनी के, के केस में तो सरचार्ज नहीं लगता कंपनी ने गलती कर दी कि इन्होंने वन करोड़ वन लैख कमाया क्योंकि अगर वन करोड़ अर्न करते तो टैक्स कितना है 30 ,000 ,000. वन करोड़ वन तो यहां पे अगर आप चेक करते है, तो यहां पे हो क्या रहा है? आपकी इनकम वन करोड़ से ज्यादा कितनी बढ़ रही है 1 ,000 ,000. उसकी वजह से आपका टैक्स कितना बढ़ रहा है टू लैख फोर्टी टू थाउजेंड एंड वन हंड्रेड So, यहाँ पे इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है ड्यू टू सरचार्ज तो यहां डोंट वरी आपका जितना टैक्स ज्यादा बढ़ रहा है ना ओवर एंड अबोव इनकम इनकम उतना हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे मींस यहां पे आपको 142000 एंड आपका 100 है उतने का मार्जिनल रिलीफ दे देंगे हम आपसे 1 लाख रुपए ले लेंगे जो कि 1 करोड़ के ऊपर वाला इनकम है अब आपको एग्जाम में कैसे करने का एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना सरचार्ज इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑल एस एस सी जहां जहां पे आपका सॉरी मार्जिनल रिलीफ चेक द मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट इफ टोटल इनकम इज लिटल बिट मोर देन फिफ्टी लैख और वन करोड़ और टू करोड़ फाइव करोड़ केस ऑफ कंपनी इनकम इज लिटल बिट मोर देन वन करोड़ और टेन करोड़ इन केस ऑफ द लाइक पार्टनरशिप चेक करना रहेगा. आप आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले एक काम करिए, जैसे तो यहां पर आपने टैक्स ले लिया उसमें आप ऐड कर दीजिए सरचार्ज और ये जो भी अमाउंट आएगा ना इसके बाद में आप लिखेंगे कि अगर का इनकम होता तो कितना टैक्स आता थर्टी लाख प्लस एन वन करोड़ मिस वन करोड़ के ऊपर वाला इनकम सीधा निर्मला सीतारमण जी को दे दो वन लाख रुपए सो इट्स कम्स टू थर्टी वन लाख रुपेज अब मैं क्या बोल रहा हूं ये जो अमाउंट है ये ऊपर वाला थर्टी टू लैख फोर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड दिसेड टू थर्टी वन लाख सो इन सिंपल बट आई कैन से दैट विच एवर इज लोअर आप कंटिन्यू कर दीजिए

और फिर आप एड कर दिए टेन करोड़ के ऊपर वाला कितना इनकम है प्लस एन टी आई माइनस टेन करोड़ तो ऊपर वाला इनकम निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए और इन दोनों में से विच एवर इज लोअर है वो कंटिन्यू करिए

मार्जिनल तो रिबिप का अमाउंट है वो यहां पे आपको मिल जाएगा यू गॉट माय पॉइंट नॉट यस नाउ नेक्स्ट सेक्शन सेवन ए का रिबेट ये 87 ए का एक रिबेट मिलता है ये रिबेट किसको मिलता है ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा बाकी किसी को नहीं मिलेगा और रेजिडेंट इंडिविजुअल में भी जिसका नेट टैक्सेबल इनकम अप अपू फाइव लाख रुपीज तो अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका नेट टैक्सेबल इनकम अप अपू फाइव लाख रुपीज देन रिबेट मिलेगा कितना हंड्रेड परसेंट ऑफ द टैक्सेज ट्वेल्थ थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर तो इसके लिए हम बोलते हैं कि यहां पर पर्टिकुलर केस ऑफ द इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल आपका इनकम अप टू फाइव लेख तक कोई टैक्स नहीं लगता बिकॉज फाइव लैख तक जो भी टैक्स आएगा स्लैब रेट से वो आपका ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और लोअर आएगा तो उतने का आपको रिबेट मिल जाएगा कोई भी टैक्स नहीं लगता लेकिन एक चीज समझना यहां पे ये रिबेट सिर्फ कब मिलता है जब आपका नेट टैक्सेबल इनकम इज टू फाइव लैक इफ योर नेट टैक्सेबल इनकम इज फाइव लैक वन रुपीज देन ये रिबेट नहीं मिलेगा मैं ऑब्वियसली फाइव लैक वन रुपीजी है तो ऑफ होके फाइव लैक हो जाएगा बिकॉज टेन रुपीज में राउंडेड ऑफ होता है बट आप समझिए फाइव लैख और अगर मान लो टू है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा एक और चीज समझना ये रिबेट आपको किसी भी टाइप की इनकम है तो आपको मिल जाएगा इवन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने वाला 15% वाला विनिंग का इनकम है किसी भी टाइप का इनकम है ये रिबेट आपको मिलेगा लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112ए वाला है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112ए वाले के सामने आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा मिस 87 ए का रिबेट दैट एल टी सी जी वन वन टू ए वाला जो 10 परसेंट से टैक्सेबल होता है इन एक्सेस ऑफ द वन लाख उसके सामने नहीं मिलेगा बाकी किसी भी टाइप की इनकम है उसके सामने आपको ये रिबेट 87 ए का मिल जाएगा अब एक और चीज समझना जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका यहां पे विनिंग का इनकम है फॉर एन एक्साम्पल फोर लाख रुप इज योर विनिंग इनकम यू डोंट हैव एनी अदर इनकम सो विनिंग के इनकम के सामने आप बेसिक एक्सामेशन का बेनिफिट तो नहीं ले सकते तो इस टैक्स कितना आया वन लाख ट्वेंटी कैन आई क्लेम द रिबेट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड आंसर इज यस आप ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड का रिबेट क्लेम कर सकते हैं यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस नाउ उसके बाद में एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आपका नेट टैक्सेबल इनकम आता है और जो नेट टैक्स पेबल आता है वो आपको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा इन द नियरेस्ट रूपीज ऑफ द टेन

लगेगा ये सब बेनिफिट सरेंडर करने के बाद तो भैया ऐसे भी तो ट्वेंटी फाइव परसेंट आजकल टैक्स लगता है डोमेस्टिक कंपनी को तो ये सेक्शन का रिलेवेंस नहीं है आप इसको इग्नोर कर सकते हैं आईसीए ने भी इसको इग्नोर किया है चलिए अब अपन चलते हैं सबसे पहली सेक्शन और वन वन फाइव बी पे नॉर्मल टैक्स रेट क्या रहती है ट्वेंटी फाइव परसेंट इफ प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी अपर हंड्रेड करोड़ अदरवाइज थर्टी परसेंट बट गाइज ये सेक्शन ये बोलती है कि डोमेस्टिक कंपनी चाहे तो टैक्स पे कर सकती है ओनली ट्वेंटी टू परसेंट की रेट से. टेन परसेंट की रेट से, से सरचार्ज जोड़ना पड़ेगा एंड फोर परसेंट आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ना पड़ेगा मिस इफेक्टिव आपका टैक्स रेट हो जाएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट सो डोमेस्टिक कंपनी के लिए यहां पर

ये तो बिजनेस की इनकम हो गई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अदर सोर्सेज की इनकम इस दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल एट द रेट ट्वेंटी इज बट सर व्हाट अबाउट द स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम लाइक एल टैक्सेबल एट द रेट ट्वेंटी परसेंट और एलटीसीजी एन परसेंट एस टीसीजी ट्रिपल वन ए फिफ्टीन परसेंट थर्टी परसेंट वॉट अबाउट द अदर इनकम गाइज दैट अदर इनकम विल बी टैक्सेबल एज पर स्पेशल रेट्स ऑनली दैट इज टैक्सेबल एज स्पेशल रेट्स ऑनली बट ऑलवेज रिमेंबर इन दैल्सो यू हैव टू एट द टेन परसेंट सरचार्ज एंड 4% परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स So, जो भी स्पेशल रेट रहेगी उसमें टेन परसेंट आप सरचार्ज ऐड कर दीजिए फोर परसेंट आप हेल्थ एंड एजुकेशन से दीजिए लेकिन एक चीज समझना सर आप बोल रहे हो दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर द डोमेस्टिक कंपनी सर कौन सी डोमेस्टिक कंपनी न्यू वाली ओल्ड वाली कोई भी डोमेस्टिक कंपनी न्यू वाली है तो भी चलेगा ओल्ड वाली है तो भी चलेगा मैनुफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी चलेगा चलेगा लिस्टेड है तो भी अनलिस्टेड है, तो है, तो है तो भी चलेगा कोई भी डोमेस्टिक कंपनी चाहे इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकती है एंड ट्वेंटी टू परसेंट की रेट से टैक्स पे कर सकती है एक और चीज समझना अगर कोई भी कंपनी है इस सेक्शन का बेनिफिट लेती है तो उसको मैट नहीं लगेगा

कंपनी को एडिशनल डेप्रिशिए नहीं मिलेगा एडिशनल होता है वो नहीं मिलेगा एक थर्टी टू डी पहले होता था अभी नहीं होता इन्वेस्टमेंट अलाउंस उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा उसके बाद में थर्टी थ्री एबी एंड एबीए थर्टी थ्री एबी एंड एबीए यू नो टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट एंड साइट रेस्टोरेशन अकाउंट उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा सेक्शन 35 जो साइंटिफिक रिसर्च वाला होता है सेक्शन थर्टी फाइव सबसे थ्री एंड 35 का सबसे टू डबल ए एंड 35 फाइव टू ए बी है इसका डिडक्शन उस कंपनी को नहीं मिलेगा इन सिंपल वर्ड में आपको बता दू जो भी आपने साइंटिफिक रिसर्च में पढ़ा था सेक्शन थर्टी में जो डोनेशन वाली डिडक्शन थी वो डोनेशन वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी डोनेशन अपन किस किस को देते थे पहले पता है आपको मैंने बताया था राहुल के रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी को आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते थे उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा सोशल स्टेटिटिकल के लिए नहीं मिलेगा इंडियन कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं मिलेगा आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को देते थे तो नहीं मिलेगा तो ये थर्टी में जो डोनेशन के डिडक्शन थे वो आपको नहीं मिलेंगे थर्टी फाइव एडी दट इज स्पेसिफाइड बिजनेस यू नो दैट होटल हॉस्पिटल कोल्ड चेन फैसिलिटी वेयर हाउसिंग एग्रीकल्चर सुगर एंड ऑल स्लरी पाइपलाइन वो सब डिडक्शन नहीं मिलेगा थर्टी फाइव सीसीड सीसीट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट एंड गाइस दट इज स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा एज वेल एज द एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स अंडर चैप्टर सिक्स का एक भी डिडक्शन नहीं मिलेगा एटी जी एटी जी जी बी एटी जी जी सी वो कोई डिडक्शन उस कंपनी को नहीं मिलेगा बट तीन डिडक्शन मिलेंगे कौन से एंड वो न्यू रिक्रूट करते हो उस पे थ्री तक थर्टी परसेंट सैलरी पेड का डिडक्शन मिलता है वो मिलेगा एटीएल क्या होता है अगर सी में लोकेटेड कंपनी है तो उसको 10 ईयर तक डिडक्शन मिलता है वो मिलेगा और एटीएम क्या होता है जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड होता है वो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड का डिडक्शन मिलता है वो आपको मिलेगा तो ये तीन डिडक्शन आपको मिलेंगे बाकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा तो देखिए मैंने क्या बोला अगर कोई भी कंपनी है वो ये सेक्शन को ऑप्ट करती है तो कंपनी को क्या क्या चीजें सरेंडर करनी पड़ेगी सबसे पहले टेन डबल नहीं मिलेगा एडिशनल डिप्रिशिएशन नहीं मिलेगा थर्टी थ्री एबी एबी का नहीं मिलेगा साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन के डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेंगे और थर्टी फाइव एडी नहीं मिलेगा थर्टी फाइव ट्रिपल सी ट्रिपल ट्रिपल सी एंड सीसी डी का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट थ्री दैट इज एटी डबल जे डबल ए सकते हैं एटी एम ले सकते हैं और एटी एल ए ले सकते हैं है, उसको छोड़कर और कुछ भी नहीं ले सकते अब एक और चीज समझता हूँ भाई भैया ये सेक्शन का डिडक्शन तो नहीं मिलेगा बट इससे रिलेटेड अगर कोई पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है इन सेक्शन की वजह से या पुराना कोई ब्रॉड फॉरवर्ड अनएप ऑफ डेप्रीशिएशन है तो वो आपका लैप्स हो जाएगा उसको अब आप सेट ऑफ नहीं कर सकते जैसे मान लो मेरे केस में मैं मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी ने ये सेक्शन का बेनिफिट ले लिया वन वन फाइव बी डबल ए का और हमारा पुराना कोई थर्टी फाइव एडी सेक्शन की वजह से कोई लॉस है होटल का कोई है 35 AD की, की वजह से क्या उस को अभी सेट कर सकते हैं आंसर इस नो वो हो जाएगा एज वेल एज अगर कोई पुराना अनएब्सॉर्ब्रिशिएशन में एडिशनल है बिकॉज एडिशनल डेप्रीशिएशन का डिडक्शन अब आप नहीं ले सकते बट पुराना अनएब्सॉर्ब है उसमें एडिशनल है वो एडिशनल भी आप नहीं ले सकते वो भी आपका लैप्स हो जाएगा वो एडिशनल डेप्रीशिएशन भी आप नहीं ले सकते वो आपका हो जाएगा तो इन सिंपल बता दू कि अगर कोई भी पुराना आपका अनएब्सॉर्ब एप्रीशिएशन में एडिशनल डेप्रीशिएशन है या पुराना कोई भी इन सेक्शन की वजह से कोई भी लॉसेज वगैरह है तो वो लेप्स हो जाएगा उसको अब आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं अब एक और चीज समझना लॉ मेकर्स बोलते कि अगर आप ये सेक्शन ले लेते हो आप अगर यह सेक्शन ले लेते हो तो भैया आपको 22% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा बट इस सेक्शन से बाहर नहीं आ सकते एक बार आपने ले ली आपको हर साल यह सेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी बट इन फ्यूचर में जाके अगर मान लो आपने कोई कंडीशन का वायलेशन कर दिया जैसे आपने एडिशनल डेप्रिशिएशन ले लिया एंड ऑल कंडीशन का वायलेशन कर दिया तो आप इस सेक्शन से बाहर आ जाओगे फिर वापस आप इस सेक्शन में नहीं आ सकते फिर वापस आप इस सेक्शन में नहीं आ सकते हैं अब एक और चीज समझना सर अगर ये सेक्शन का हमको बेनिफिट लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट से पहले पहले एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है दैट इज द फॉर्म नंबर टेन आईसी करके आपने ऑफिस में किया होगा

सेक्शन बोलती है कि अगर कोई भी न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास में इस सेक्शन में ऑप्शन है कि भैया वो कंपनी टैक्स पे कर सकती है ओनली फिफ्टीन परसेंट की रेट से ओनली फिफ्टीन परसेंट की रेट से टैक्स पे करेगी बट क्वेश्चन इज दैट सर फिफ्टीन परसेंट मीन क्या नेट फिफ्टीन परसेंट आंसर इज नो फिफ्टीन प्लस 10% सरचार्ज एंड गाइस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन विल बी 17.16% सो 17.16% है उस रेट से डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स पे करना है बट एक चीज समझना मैं यहाँ पे बोल रहा हूं डोमेस्टिक कंपनी बट न्यू डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए पहली चीज तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन वो कंपनी न्यू होनी चाहिए नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द न्यू तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि वो न्यू कंपनी किसको बोलेंगे कि वो डोमेस्टिक कंपनी ऑन और आफ्टर फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन ऑन और आफ्टर फर्स्ट अक्टूबर 2019 टू थाउजेंड नाइनटीन के बाद रजिस्टर्ड हुई है एंड गाइस उस कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर लिया है अपटू थर्टी फर्स्ट मार्च टू यहां पे लास्ट ईयर तक 2023 था नाउ दिस इज द अमेंडमेंट एंड दे मेड इट 2024 तो देखिए मैंने क्या बोला कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मीज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होनी चाहिए न्यू होनी चाहिए न्यू का मतलब इट हैज टू बी सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर फर्स्ट अक्टूबर 2019 एंड इट हैज कमेंस द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस टिल 31 मार्च 2024 अब एक और चीज समझना सर आप बोल रहे फिफ्टीन परसेंट टैक्स रेट यहां पे भी सरचार्ज लगेगा यस मैंडेटरी सरचार्ज 10 परसेंट इेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम हेल्थ एंड एजुकेशन इफेक्टिवली इट इज बट गाइज यहां पे जो है ना ओनली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट फिफ्टीन परसेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो रहेगा वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इनकम जो रहेगी दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 15 परसेंट प्लस 10 परसेंट प्लस 4 परसेंट ऑब्वियसली व्हाट अबाउट सर अदर इनकम जैसे कंपनी को कोई हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया अदर सोर्सेज का इनकम हो गया दैट विल बी टैक्सेबल विलेट ट्वेंटी टू परसेंटेंट प्लस फोर परसेंट बट यहां पे एक कंडीशन है कि अगर कोई कंपनी वन वन फाइव भी लेती है तो हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज में वगैरह कोई डिडक्शन एक्सम्पन का बेनिफिट नहीं ले सकते कोई डिडक्शन नहीं ले सकते मीन हाउस प्रॉपर्टी की ग्रॉस इनकम विल बी टैक्सेबल दैट वो थर्टी का स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना वो भी नहीं मिलेगा थर्टी परसेंट का स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा मीस ग्रॉस इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट बैक्सिबलटेंटी टू परसेंट लाइक डिडेंड एंड डिविड के सामने अदर सोर्सेज में यू नो दैट दैट के सामने वो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है अप टू ऑफ इनकम वो भी नहीं मिलेगा मीन्स टोटल जो भी अदर सोर्सेज की इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है इट विल बी टैक्सेबल ग्रॉस इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट ट्वेंटी टू परसेंट अब एक और चीज समझना वॉट अबाउट द कैपिटल गेन कैपिटल गेन में जैसे स्पेशल रेट्स की जो इनकम होती है वो स्पेशल रेट्स की इनकम स्पेशल रेट से ही जाएगी एल टीसीजी वन वन टू है टेन परसेंट एस टी सी ट्रिपल वन है फिफ्टीन परसेंट एल टी सी जी ट्वेंटी परसेंट विनिंग का इनकम थर्टी परसेंट स्पेशल रेट्स की इनकम है वो स्पेशल रेट से ही जाएगी लेकिन उसमें भी टेन परसेंट की रेट से आप सरचार्ज एड करेंगे फोर परसेंट की रेट से आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेड करेंगे लेकिन सर एक बात बताओ अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया या नॉन डेप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखो ट्रिपल बने वाला तो फिफ्टीन परसेंट अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर वाला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल बी टैक्सेबल एट द रेट 15 परसेंट क्योंकि एक बात बताइए जब आपने डेप्रिशिएशन लिया होगा तो पी एंडल के डेबिट में डाला होगा बिजनेस की इनकम कम हुई होगी और बिजनेस की इनकम कम हुई तो आपने 15 परसेंट टैक्स सेव किया होगा तो 15% टैक्स सेव किया होगा अब अगर आप उसको बेच रहे हैं तो उस पे 15 की रेट से आपको टैक्स लगेगा लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉन डेप्रिशिएबल है तो ट्वेंटी टू परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा ठीक है अब एक चीज समझना ये वाला पॉइंट थोड़ी देर के लिए छोड़ दो मैं आगे जाके बताऊंगा तो देखिए मैंने आपको टैक्स रेट बताया मैनुफेक्चरिंग बिजनेस का जो भी इनकम रहेगा उस पर आपको टैक्स लगेगा फिफ्टीन की रेट से प्लस टेन प्लस फोर करके ठीक है

के हिसाब से नहीं बनी हो इट शुड बी न्यू कंपनी नया बिजनेस होना चाहिए नई कंपनी होनी चाहिए ऐसा नहीं नहीं आपने कोई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, कर दी कमीशन उससे कंपनी 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 बना इट शुड बी न्यू थर्ड कंडीशन के जो भी को प्लांट एंड मशीनरी लगेगा ना वो सब न्यू होना चाहिए. प्लांट एंड मशीनरी या फिर जो इंपोर्टेड प्लांटेड मशीनरी आपका लाएगा भले वो सेकेंड हैंड है, इट विल सेक्शन सो इंपोर्टेड प्लांटेड मशीनरी जो है वो सेकेंड हैंड है तो भी वो न्यू ही माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन अब एक और चीज समझना ये कंपनी कोई भी ऐसी बिल्डिंग यूज नहीं कर सकती जो पहले एज अ होटल यूज हुई थी या एज अ कन्वेंशनल सेंटर यूज हुई थी

एक और चीज समझना है, यहां पे अस क्या करना चाहिए पता है इस पर्टिकुलर सेक्शन में अस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होना चाहिए एज वेल एज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू दैट बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है उस बिजनेस से रिलेटेड या फिर जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू दैट बिजनेस एंड वट एवर गुड्स दे हैव प्रोड्यूस उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ये एक्टिविटी होनी चाहिए लेकिन एक चीज समझना कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में नहीं आएगी सबसे पहला अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहे हो दैट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग सेकेंड अगर कोई माइनिंग का बिजनेस कर रहे हो माइनिंग बिजनेस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग अगर बोटलिंग ऑफ गैस इनटू द सिलेंडर अगर गैस को गैस के सिलेंडर आप बना रहे हो बोलिंग कर रहे हो दैट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग जो मार्बल ब्लॉक्स होते हैं उसको आप टाइल्स या स्लैब्स में काट रहे हो दैट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटिंग ऑफ बुक्स या फिर प्रोडक्शन ऑफ द मूवी है वो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है करके ठीक है या फिर एनी अदर बिजनेस कोई भी गवर्नमेंट नोटिफाई करती है वो भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो देखिए मैंने क्या बोला यहां पे मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी चीजें नहीं आएगी तो सबसे पहली चीज तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक इंटू स्लैब या टाइल्स इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग उसके बाद बोटलिंग ऑफ गैस इंटू सिलेंडर इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ द मूवी इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग लेकिन यहां पे एक चीज समझना यहां पे लॉ मेकर्स ने क्लेरिफाई किया अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हो दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो पावर जनरेशन रहेगा दैट पावर जनरेशन इज ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरिंग वो आपके मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा और उस पर डिडक्शन आपको मिल जाएगा तो अगर आप पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा अब एक और चीज समझना अगर कोई भी कंपनी को 15% परसेंट की रेट से टैक्स पे करना है ना तो कुछ बलिदान देने पड़ेंगे कुछ का नहीं ले सकते थर्टी थ्री एबी ए नहीं ले डोनेशन वाली डिडक्शन है वो नहीं ले सकते थर्टी फाइव एडी नहीं ले सकते थर्टी फाइव ट्रिपल सी सीसीडी नहीं ले सकते एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स नहीं ले सकते दो को छोड़ के एटी डबल जे डबल एंड एम एटी डबल जे डबल लेबल जे डबलॉय लेटी बेसिकली सर्विस सेक्टर को मिलता है में और आई एफ एस सी में लोकेटेड होते हैं ना वो मैनुफेक्चरिंग नहीं करते करके ठीक है तो उसके लिए यहाँ पे एटीएल का जिक्र नहीं हुआ है. तो एटी डबल जे डबल ए ले सकते हैं। टी एम ले सकते हैं बाकी कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स है वो आप नहीं ले सकते है. अब एक और चीज समझना

इन सेक्शन की वजह से है तो वो लॉसेज है ये हमारी वाली कंपनी है उसको सेटअप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी यू गॉट माई पॉइंट ऑफ नॉट यस अब एक और चीज समझना ये जितनी भी कंडीशन है ये सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी तभी आपको 15 की रेट से टैक्स लगेगा लेकिन अगर किसी कंडीशन का वायलेशन हो गया तो आप इस सेक्शन से बाहर आ जाएंगे नॉर्मल प्रोविजन में चले जाएंगे ठीक है और एक बार अगर इस सेक्शन सेक्शन से बाहर आ गए तो वापस आप ये का बेनिफिट नहीं ले सकते अब एक और चीज समझना कि अगर मान लो आपने ये तीन कंडीशन में से कोई कंडीशन का वायलेशन हुआ है ये तीन कंडीशन कौन कौन सी या तो आपका जो प्लांटेड मशीनरी है वो प्लांटेड मशीनरी आपका लाइक ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा सेकेंड हैंड हो गया या फिर आपने कोई ऐसी बिल्डिंग यूज कर ली जो पहले होटल या कन्वेंशन सेंटर था या फिर आपने कोई भी लाइक like आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं रहा तो उस पर्टिकुलर केस में आप 115 वन बाहर आ जाओगे मिस 15 परसेंट से बाहर आ जाओगे लेकिन आप 115 वन में जा सकते हैं 22 परसेंट वाली सेक्शन में जा सकते हैं

तो टेन आई फॉर्म है वो रिटर्न फाइलिंग की सेक्शन पहले पहले तो तो में नहीं आ सकते हैं अब एक और चीज समझना बहुत बार लोग क्या करेंगे इस कंपनी का प्रॉफिट इन्फ्लेट करेंगे और उनके किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है वो कम करेंगे कैसे हो सकता है जैसे मान लो मेरी दो कंपनी एक कंप मैं दोनों में शेयर होल्डर डायरेक्टर हूं एक मुंबई में कंपनी है जिसमें नॉर्मल टैक्स लगता है ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट एक कंपनी ऐसी है जो मैंने कहीं पे राजस्थान के मान लो जयपुर में स्टार्ट की और वहां पे फिफ्टीन परसेंट वाली वन वन फाइव बी लग रही है तो मैं क्या करूंगा जयपुर वाली कंपनी का प्रॉफिट हमेशा ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा और मुंबई वाली का कम बताने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या करता हूं जयपुर की कंपनी जो है वो मान लो सेल्स रिकॉर्ड करती है और परचेस कर रही है मुंबई की कंपनी और वो हाई वैल्यू पे सेल बताती है तो हाई वैल्यू पे सेल बताएगी तो उधर प्रॉफिट बढ़ जाएगा उधर क्या फिफ्टीन परसेंट ही तो टैक्स लगता है इधर प्रॉफिट कम हो जाएगा इधर सेव हो रहा है ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट मुंबई की कंपनी में तो पीपल में डू दैट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन यहां पर लॉमेकर बोलते हैं कि असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि असेसिंग ऑफिसर चेक करेगा कि ये कंपनी है वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है या सुपर प्रॉफिट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट कमा रही है अगर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है कोई दिक्कत नहीं बट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट कमाया ना तो जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट है उस पर थर्टी परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा उस थर्टी परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा एंड 10% टेन परसेंट आपका सरचार्ज एंड फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका लग जाएगा मीन इट विल बी इफेक्टिवली अप्रोक्स आपका थर्टी फाइव परसेंट के आसपास आएगा और वो थर्टी फाइव परसेंट के आसपास है उतना टैक्स है उस कंपनी को लग जाएगा तो देखिए मैंने आपको क्या बोला तो यहाँ पे पहले पेज पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है कि अगर कोई भी एक्सेस प्रॉफिट हुआ तो थर्टी परसेंट प्लस टेन परसेंट प्लस फोर थर्टी फोर पॉइंट थ्री टू परसेंट है उस रेट से असेसिंग ऑफिसर है वो टैक्स लगाएगा दिस इज द सेक्शन वन वन फाइव बी ए बी यहाँ पे मैंने दोनों सेक्शन का कंपेरिजन दे रखा है बी डबल ए का और बी ए बी का और आपको चाहिए तो ये कंपेरिजन आप एक बार ड्रॉप रीड कर लेना आपको इजिली समझ में आ जाएगा नेक्स्ट सेक्शन इज वन वन फाइव बी ए सी वन फाइव बी एस सी इंडिविजुअुअल एच के लिए है बट ये जो है न्यू टैक्सेशन रिजिम वन वन फाइव बी एस सी वाली सीए फाइनल लेवल पे क्वेश्चन आने का बड़ा क्वेश्चन आने का चांस नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल का असेसमेंट नॉर्मली इंटरमीडिएट लेवल के लिए क्वेश्चन तो में आ सकता है या कोई छोटा सा क्वेश्चन है वो बी एस सी से बन सकता है तो वन वन फाइव बीएससी इज रिलेटेड टू द इसको बोलते न्यू टैक्सेशन रिजिम फॉर द इंडिविजुअल एंड एच अब एक बात समझना इंडिविजुअल एच के पास में ऑप्शन है इंडिविजुअल एच चाहे तो यहाँ पे ये वाले रेट से टैक्स पे कर सकता है

लेकिन क्वेश्चन ये आता है सर ये किसके लिए एक और चीज समझना सर एक बात बताइए अभी आपने बताया था सीनियर सिटीजन केस में एंड सुपर सीनियर सिटीजन केस में बेसिक एक्जेंशन लिमिट है वो आपका थ्री लैख एंड फाइव लैक का होता है तो क्या यहां पर भी थ्री लैख फाइव लैख होगा आंसर इज नो आंसर इज नो

फिफ्टी लैक् से ज्यादा है हैन टेन परसेंट मोर देन वन करोडी परसेंट मोर देन टू करोड़ अब टू फाइव करोड़ ट्वेंटी मोर देन फाइव करोड थर्टी सेवन परसेंट की रेट से सरचार्ज लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन फोर परसेंट स्पेशल रेट्स की इनकम स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी अब एक और चीज समझना अगर आप ये सेक्शन का बेनिफिट ले लेते हो तो आपको ए नहीं लगेगा जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स टॉपिक ए एम नहीं लगेगा पुराना ए क्रेडिट है वो लैप्स हो जाएगा अगर आप ये सेक्शन का बेनिफिट ले लेते हो अब एक और चीज समझना

दूसरा जो एचआर का एक्जेंशन मिलता है वो पता है ऑफ़ ऑफ़ सैलरी सैलरी एक्चुअल अमाउंट और पेड माइनस का नहीं मिलेगा तीसरा जो एल टीसी का एक्जेंशन होता है लीव ट्रेवल कंसेशन जब आप इंडिया में कहीं पर भी घूमने जा रहे हो आपका एम्प्लॉयर पैसा देता है उसका एक्जेम्पन मिलता है वो नहीं मिलेगा उसके साथ साथ में जो अलाउंसेस के एग्जेपन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा अलाउंसेस के एक्शन कौन से आपको याद रहेगा इंटरमीडिएट तो दैट इज चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड ऑल सो उसमें पता थ्री हंड्रेड फाइव थ्री हंड्रेड एंड ऑल मिलता था वो सब नहीं मिलेगा तो अलाउंसेस के कोई भी एग्जेम्शन नहीं मिलेंगे बट इसके चार एक्सेप्शन है दैट इज द डीटीडीसी डीटीडीसी जो चार चार एक्सेप्शनल केसेस है ये चार का बेनिफिट ले सकते हैं अलाउंसेस पे सबसे पहले है डी डी का मतलब होता है दिव्यांग एम्प्लॉय जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है दिव्यांग एम्प्लॉय दिव्यांग एम्प्लॉय के लिए एक कम्यूटेशन या ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एक्सम्पन मिलता है मैक्सिमम 3,200 पर मंथ का वो एग्जेम्शन वो दिव्यांग एम्प्लॉय ले सकता है भले वो इस 115 बीएसी वाली न्यू सेक्शन को फॉलो कर रहा है

अगर मैं बात करूं हाउस प्रॉपर्टी की तो हाउस प्रॉपर्टी में आपको पता है सेल्फ प्रॉपर्टी के, के केस में 24B में सेक्शन 24 बी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है कितना मिलता है थर्टी थाउजेंड और टू लाख ,00 तो टू लाख या थर्टी थाउजेंड का जो स्टैंड जो डिडक्शन मिलता है थर्टी थाउजेंड और टू लाख रुपेज का जो डिडक्शन मिलता है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में वो डिडक्शन नहीं मिलेगा सर लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है एलओपी डीएलओपी उसके केस में क्या डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का आंसर इज यस मिल जाएगा लेकिन एक चीज समझना हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है उस लॉस को आप किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते अगर आप ये न्यू सेक्शन ले लेते हो तो अगर आप ये न्यू सेक्शन ले लेते हो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है अगर डीएलओपी एलओपी की वजह से जो लॉस आए एसओपी में तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि इंटरेस्ट का डिडक्शन ही नहीं ले रहे हो तो आप एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इनकम ले लोग लेकिन एलओपी डीएलओपी में लॉस आए तो उस लॉस को आप किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस होता है उसको दूसरे हेड से आप सेटअप कर सकते हो अप टू मैक्सिमम टू लैख बट वो आप नहीं कर पाओगे अगर वो आप नहीं कर पाओगे अगर आपने न्यू सेक्शन का बेनिफिट ले लिया

जो पेरेंट को 1500 का एक्जेप्शन मिलता है वो 1500 का नहीं मिलेगा उसके बाद एमपी एम हैं एमएलसी होते हैं है, उनको क्या होता है कि भैया 1017 में एक डेली या अलाउंस का कॉन्स्टिट्य मिलता है वो नहीं मिलेगा फैमिली पेंशन का जो एक्जेपन है वो आपको नहीं मिलेगा फैमिली पेंशन पे बेसिकली डिडक्शन मिलता है कि जितना फैमिली पेंशन मिला है उसका वन थर्ड या फिर फिफ्टीन पर एन एम एवर इज लोअर तो वो जो डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा अगर आप न्यू टैक्सेशन रिजिम में जाते हो अगर मैं बात करूं डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स से तो इंडिविजुअल को कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स से नहीं मिलेगा एटीसी एटी डी एटी डबल डी एटी कुछ भी नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा

एम्प्लॉई है तो यहां पे 10% की जगह आपका 14% हो जाता है तो वो वाला डिडक्शन ले सकते हैं 80 डबल जे डबल ए ले सकते हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते अब एक और चीज समझना ये जितनी भी सेक्शंस अपन ने डिस्कस की कि ये बेनिफिट नहीं लेंगे इसकी वजह से अगर पुराना कोई भी लॉसेस है तो वो लॉसेस भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते या पुराना कोई अनअब्सॉर्बड डेप्रिसिएशन है तो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते मतलब इतनी ये जो सेक्शंस है ना इनकी वजह से जैसे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का पुराना कोई लॉस चला आ रहा है

क्वेश्चन ही आता है कि सर ये न्यू टैक्सेशन रिजिम है इसका क्या हर साल ऑप्शन है इस बार ले अगले साल ना ले आंसर इज यस आपको चाहिए तो आप ओल्ड में जाइए आपको चाहिए तो आप न्यू में जाइए बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम यू हैव एन ऑप्शन क्या एक्जिस्टिंग या फिर आपको न्यू टैक्सेशन रिजिम लेकिन एक चीज समझना अगर आपका पीजीबीपी का इनकम है अगर आपका पीजीबीपी का इनकम है और आपने ये 115 वन को फॉलो कर दिया तो आपको हर साल 115 एस लेना पड़ेगा लेकिन किसी ईयर में अगर कंडीशन वायलेट कर दी और आप इससे बाहर आ गए तो वापस आप 115 वन में नहीं आ सकते जब तक कि आपका बिजनेस का इनकम है या पीजीबीपी का इनकम है मैंने क्या बोला देखो पीजीबीपी का इनकम नहीं है तो एवरी ईयर यू हैव एन ऑप्शन बट अगर पीजीबीपी का इनकम है एंड वंस यू ऑप्टेड दिस पर्टिकुलर सेक्शन देन यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस न्यू टैक्सेशन रिजिम इन एनी ईयर इफ यू वायलेटेड एनी कंडीशन एंड यू कम आउट फ्रॉम दिस न्यू टैक्सेशन रिजिम देन अगेन

हुआ क्या कि मान लो आपका टीडीएस है वो नॉर्मल टैक्स रेट से कटा था लेकिन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपको लगा कि न्यू टैक्सेशन रिजिम इज मोर बेनिफिशियल सो कैन यू फाइल द रिटर्न पर न्यू टैक्सेशन रिजिम आंसर इज यस एब्सोल्युटली यस बट दूसरा अगर इसका उल्टा मान लो आपका टीडीएस कटा था वन वन से क्योंकि आपने डिक्लेरेशन दिया था बट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न यू रियलाइज दैट कैन और एक्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम जो नॉर्मल टैक्स सिस्टम है दैट इज मोर बेनिफिशियल सो कैन यू फाइल द रिटर्न एज पर नॉर्मल टैक्स सिस्टम आंसर इज यस यू कैन फाइल द रिटर्न एज पर नॉर्मल टैक्स सिस्टम यू गॉट माई पॉइंट और नॉट

वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए था ये रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है इसमें भी 22 परसेंट टैक्स रेट का आप ऑप्शन ले सकते हो क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नॉर्मल टैक्स रेट क्या होता है स्लैब रेट अप टू इज नो टैक्स सॉरी अपू टेन थाउंट टेन परसेंट टेन थाउ टू ट्वेंटी मोर दे थाउजेंड आपका थर्टी परसेंट टैक्स रेट था वो ना लगा के और आप डायरेक्टली ट्वेंटी टू परसेंट वाला बेनिफिट है वो ले सकते हैं प्लस प्लस लेकिन अगर मान लो रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये सेक्शन का बेनिफिट ले लेती है तो उसको एम टी नहीं लगेगा मिनिमम टैक्स है वो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो उसको नहीं लगेगा बाकी सेम प्रोविजन वैसे के वैसे के जो कि मैंने आपको 115 में अभी रिवाइज कराए थे। अब एक चीज समझना, अगर कोई भी या उसको 40 ही मिलेगा।, 40 से तो मिलेगा ही नहीं बट मैक्म डेप्रीशियन फोर्टी परसेंट ही मिलेगा अब आप बोलोगे तो मिलता है लेकिन आपको याद है ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट टू थाउजेंड एंड नाइनटीन से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी के बीच में अगर आपने कोई भी वो मोटर व्हीकल खरीदा होगा तो उस पर्टिकुलर केस में आपको पता है वो फोर्टी फाइव परसेंट भी वहां का रेट था इफ दैट मोटर व्हीकल इज यूज फॉर हायरिंग सिस्टम हायरिंग हायरिंग के लिए अगर यूज हो रहा है तो फोर्टी फाइव परसेंट था तो वो फोर्टी फाइव परसेंट नहीं मिलेगा मैक्सिमम आपको फोर्टी परसेंट ही मिलेगा उसके बाद में बेटा यहां पे कुछ और यहां जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपको देखने हैं उसके बाद मैं मैं जो मैंने में लास्ट लास्ट में में कंपाइलर के इस बार मैंने बहुत अच्छी चीज ये की है कि आप देखोगे टॉपिक्स में मैंने है कहां से आपको क्वेश्चन देखना है अब आपको आपको इस तो, ये जो मैंने स्पेशल रेट्स पढ़ाई इसके क्वेश्चन आप कहां से देखोगे तो पहले तो क्वेश्चन आप कहां से देखोगे जो मैंने यहां पे दे रखे ये दो तीन क्वेश्चन ये आप सोल्व कर लीजिए और उसके बाद जो आपके लास्ट के एग्जाम हुए हैं लास्ट के एग्जाम में आप अपने कंपाइलर में जाओगे और कंपाइलर के पीछे आपको मिलेगा एक तो मे 2020 टू एग्जाम का पेपर उसका पहला क्वेश्चन है वो उसमें बी ए बी या बी डबल वाला है या उसके साथ में आप देख लीजिए नवंबर 2021 का पेपर नवंबर या दिसंबर 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका जो एग्जाम पेपर है उसमें भी क्वेश्चन जो है वो 115 वन फाइव बी डबल से था तो ये दो क्वेश्चन आप करेंगे लेकिन ऑब्वियसली आप पीजीबीपी एक बार कर लेंगे उसके बाद करेंगे तो आपको ईजिली समझेगा घर के ठीक है चलिए उसके बाद में यहाँ पे कुछ और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है वन इज दन फाइव बीबी दैट इज रिलेटेड टू द विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स हॉर्स का इज दैट इज टैक्सेबल क्शन एट से लेकर कैश क्रेडिट हो जाता है आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो या फिर जैसे आपने कोई भी ऐसा खर्चा किया अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर जिसकी आप नहीं दे रहे हो तो आपको पता इट इज टेक्सीबल एट द रेट सिक्सेंट

बोलती है रॉयल्टी इनकम फ्रॉम द पेटेंट यह सेक्शन यह बोलती है कि अगर मान लो आपने इंडिया में कोई पेटेंट डेवलप किया है इंडिया में कोई भी पेटेंट है वो इंडिया में डेवलप किया है तो उसकी रॉयल्टी इनकम पे यू हैव एन ऑप्शन दैट यू कैन पे द द टैक्स ओनली एट रेट बट ग्रॉस रॉयल्टी इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट तो देखिए ये रॉयल्टी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट डेवलपमेंट रजिस्टर्ड इन इंडिया इट विल बी टैक्सेबल ओनली एट द रेट टेन परसेंट बट देर सर्टन कंडीशन डेवलपमेंट मीस सेवेंटी फाइव परसेंट एक्सपेंडिचर उसका इंडिया में इंकर हुआ है डेवलपमेंट पे सेकंड इज ये ग्रॉस रॉयल्टी टैक्सेबल होगी एट द रेट टेन परसेंट बट यहां इस सेक्शन का बेनिफिट कौन सा एस एस ले सकता है पता है Only वो ही ले सकता है जो इंडियन रेजिडेंट पर्सन है ऑनली इंडियन रेजिडेंट पर्सन है अगर आपने ये ऑप्शन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा अपटू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको यह ऑप्शन लेना पड़ेगा लेकिन एक बार आपने ये ऑप्शन ले लिया तो बेटा नेक्स्ट फाइव असेसमेंट इस तक आपको यह ऑप्शन लेना पड़ेगा बट अगर नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में किसी भी आपने ये को नहीं लिया तो जिस में नहीं सकते हैं BBG. BBG का आप कार्बन क्रेडिट पॉइंट को सेल करते हो तो उसका जो भी इनकम रहेगा वो ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होगा एट द रेट टेन परसेंट टेन परसेंट के रेट से टैक्सेबल होगा ऐसा पीजीबीपी में एक क्वेश्चन है जिसमें यह एडजस्टमेंट है उसके बाद मैं एक बात बताऊं जितनी भी तुम्हारी अदर स्पेशल रेट्स है वो मैंने रेस्पेक्टिव टॉपिक में कवर कर रखी है जैसे आप देखोगे 115 वन फाइव बी एस सी है वो वन वन फाइव बी एस सी है वो मैंने आपको ट्रस्ट टॉपिक में कवर किया ट्रस्ट टॉपिक में इस बार वन वन फाइव बी बी आई वाले बहुत सारी सेक्शन है ट्रस्ट टॉपिक में इस बार आई है वो मैंने वहां कवर की है कैपिटल गेन वाली कैपिटल गेन में कवर किया और स्पेशल रेट नॉन रेजिडेंट वाली नॉन रेजिडेंट में कवर किया है अब एक बात समझना यहां पे जो स्पेशल रेट्स है ना जैसे ये कार्बन क्रेडिट वाला है या फिर ये रॉयल्टी वाला है या फिर ये जो विनिंग्स वाला है और डीम इनकम वाला है इनके सामने कोई भी खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा इनके डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स नहीं मिलेगा और इनके सामने कोई भी बेसिक एक्सामिशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा लेकिन अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल एच होता है ना रेजिडेंट इंडिविजुअल एच यूएफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एच यूएफ उसके केस में क्या होता है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा नॉर्मल वाला या फिर वन वन टू ए वाला या फिर एस टी सीजी ट्रिपल वन वाला तो वो क्या कर सकता है पता है वो बेसिक एक्जामेशन का बेनिफिट ले सकता है जो मैंने आपको बताया था अन बेसिक बेसिक एक्सामेशनएक्टेड बेसिक एक्जामेशन तो अनएक्टेड बेसिक एक्जामेशन उसका बेनिफिट आप एलटीसीजी वन वन टू एस टी सीजी ट्रिपल वन ए याल टी सी जी वन वन टू के सामने आप ले सकते हैं बट कौन ले सकता है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल एच यूब बाकी स्पेशल रेट्स के सामने आप बेसिक एक्जामेशन का बेनिफिट

अच्छा उसके बाद में मैं आपको बताऊं देखो यार अभी जो आपके एग्जाम के डेज़ रहे ना वो आप हाथ पे काउंट कर सकते हो क्योंकि ये आपका फेब मंथ तो है उसके बाद मार्च अप्रैल दो ही तो महीने हैं सिक्सटी डेज़ तो ऐसे चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा आपको ठीक है और फेब तो ऐसे भी ट्वेंटी एट डेज़ का रहता है पता ही नहीं चलता कितना जल्दी चला जाता है तो अभी आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है आपको हंड्रेड परसेंट आपका जो फोकस है वो पढ़ाई को लेकर ही होना चाहिए इधर उधर आप टाइम पास मत करिए करके ठीक है क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत बार बच्चे किधर लाइक कई टेलीग्राम पर बैठे है कोई इंस्टाग्राम पर बैठे है कोई कहाँ पे है टाइम बहुत बार खराब हो जाता है अपने को पता ही नहीं रहता कि यार क्या हो रहा है मैं बताऊँ ना मेरे को ये लगता है कि आपकी लाइफ में आपको सब चीज़ें करनी चाहिए बट हर चीज़ करने का टाइम होता है मैंने मेरी लाइफ में मुझे पता है कि कौन से टाइम पे क्या जरूरी है कौन से टाइम पे मुझे क्या करना है लाइफ में तो आपके लिए ये जो टाइम है ना ये ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने स्टडी पे ध्यान दो तो। बिकॉज कमी तो टाइम है और आपका पूरा दिन जो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर आवर्स है वो कैसे निकलते हैं वो आपको पता होना चाहिए कहीं पे अगर आधा घंटा भी आपका वेस्ट हो रहा है ना तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं यार यहाँ आधा घंटा खराब हो गया या एक घंटा मैंने खराब कर लिया दो घंटे खराब कर लिए डोंट डू दैट ट्राई टू इम्प्रूव योर आपने जो कल किया था आज उससे ज्यादा बेटर बनने की कोशिश करिए बिकॉज मैं बता दू इस दुनिया में है ना कोई किसी का नहीं है करके ठीक है आप जो भी हो आज वो सिर्फ आप आपकी वजह से हो और आने वाले दस साल के बाद जहां पे भी आप रहोगे उसके लिए ओनली यू आर रेस्पॉन्सिबल बिकॉज यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ कोई किसी का नहीं है मैंने तो लोगों को देखा है करके ठीक है बहुत बोलते हैं ये वो ठीक है बट भैया कोई किसी का नहीं है आपको अपनी जिंदगी बनानी है अपने आप को कुछ ढंग का करना है सच में आपके दिल में अगर ऐसे जोड़ की इच्छा है कि नहीं यार सीए बन कुछ अच्छा करना है लाइफ में क्योंकि एक ही तो लाइफ मिली है जी लो उसको करके ठीक है ढंग से जी लो यार ऐसी जियो के मतलब लोग याद करेंगे नहीं यार ढंग से अपन ने जी अपने को satisfaction होना चाहिए अच्छा लगना चाहिए करके ठीक है ऐसा फील गुड फैक्टर आना चाहिए और वो तभी आएगा जब आप मेहनत करोगे बिकॉज मेहनत जो होती है ना उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है हिंदी में ऐसा बोलते हैं कड़ी मेहनत का कोई भी क्या बोलते हैं उसको ऑल्टरनेटिव नहीं है तो ये सीधी सी बात है ठीक है तो मेहनत करिए और ऑब्वियसली फ्रूट मिलेगा और खुश रह के पढ़िए करके ठीक है अपने आप को इतना डीमोटिवेट कभी फील मत कराइए अगर करते भी है डीमोटिवेट हो भी जाते हैं तो जस्ट लाइक उससे बाहर निकलिए फटाफट कैसे बाहर निकल सकते हैं आप वॉक करने चले जाइए एक घंटा आप जोर से मतलब फ़ास्ट फास्ट वॉक करिए करके, ठीक है आप मोबाइल घर पे छोड़ के जाइए मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए और वहां देखिए कितने पेड़ लगे हुए हैं क्या लगे हुए आपको अपने आप को थोड़ा अच्छा फील कराइए बिकॉज जब तक आप अच्छे से फील करके ना पढ़ेंगे बस आपको अगर हैप्पी हो और हैप्पी हो और आपके जो हैप्पी हार्मोन्स रहते हैं वो जब रिलीज हो रहे हैं तब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा आपको ऐसा लगेगा यार सब मेरे को आता है मैं कर दूंगा यस आई कैन डू इट करके ठीक है आप अपने आप से बोलिए कि ऑल इज वेल और शायद उससे थोड़ी चीजें ठीक हो जाती हैं थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स इन फूड टूडे फ्रॉम माई साइड सी यू इन द नेक्स्ट रिजन लेक्चर